हाँ बताइए, बताइए रामनवमी अखाड़ा के लेकर बताइए। हमारे बेगाबाद की अखाड़ा ऐसे हुए जो कि हमारे जगन्नाथ भाई वो हैं, वो हमारे पत्रकार हैं। ऐसी हमारे कभी 10 साल 15 साल के पहले ऐसी हमारी अखाड़ी होती थी यहाँ बेगाबाद में। आज पहली बार ऐसे हुए जो कि सभी सफलता में पब्लिक सभी खेल कूद करके और अपने अखाड़ा जो श्री राम जी का थे वो बहुत आनंद से हमने मतलब सफलता हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अखाड़ा संपन्न हुआ बेगाबाद में और आप पूजा समिति के अध्यक्ष भी हुए, बताएंगे इस बारे में। बहुत शांति ढंग से भाईचारे के ढंग से रामनवमी पूजा मनाया जाता है और मना रहे हैं और जितने भी अखाड़ा के लोग आते हैं हम लोग रामनवमी पूजा समिति बेगाबाद की ओर से उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करने का काम करते हैं, अपने धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो भी हमारे समाज के हमारे हिंदू धर्म में हैं रामनवमी पूजा धूमधाम से मनाते हैं। यही चलते हम लोग भी बेगाबाद में जो सदियों से रामनवमी पूजा बंद थी, अखाड़ा नहीं आता था, इसको लाने का मैंने काम किया और सबों को पुरस्कार देकर सम्मानित करने का काम किया। इसके लिए तमाम अखाड़ा में आए हुए तमाम अखाड़ा के बंधुओं को रामनवमी पूजा समिति बेगाबाद की ओर से सभी अखाड़ा में आए हुए राम भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करती है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। संपन्न हुआ धूमधाम के साथ, बताएंगे इस बारे में। मैं सर्वप्रथम अन्याय पर न्याय की जीत में प्रभु श्री राम चंद्र जी के रामनवमी के शुभ अवसर पर सभी बेगाबाद जनता को मैं बधाई देता हूं और मैं खास करके बेगाबाद चौक में जो अखाड़ा आए जो अपना कर्तव्य दिखाएँ, खास करके रात दी कुटिया महुआ बेगाबाद हाटोडी मानसिंडी आदि ने आकर के जो कर्तव्य दिखाएँ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद उस पत्रकार बंधु को भी देता हूँ जो सद्भाव और शांति का संदेश बेगाबाद में प्रसारित करके यह सिद्ध कर दिया कि बेगाबाद अमन चैन का जगह है और शांति प्रिय। यह जो रामनवमी समापन हुआ उसमें पत्रकार प्रशासन साथ साथ जनप्रतिनिधि को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। संपन्न हुआ बताएंगे रामनवमी पूजा के अवसर पर सभी प्रमुख को, उप प्रमुख को, पत्रकार महोदय को, प्रशासन को रामनवमी पूजा अध्यक्ष के नाते मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। सभी बहुत अच्छा और सकुशल से सब कुछ संपन्न हो गया, इसलिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। थैंक यू। अखाड़ा का कार्यक्रम था आज पूरे बेगाबाद प्रखंड में शांति और सौहार्द के साथ रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें बेगाबाद पहुँचे हमारे हर गाँव सुदूरवर्ती क्षेत्र से आए अखाड़ा समिति के अध्यक्ष एवं सचिव एवं पूरे अखाड़ा समिति को मेरी वो तरफ से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम एवं बेगाबाद प्रशासन को भी मेरा हार्दिक अभिनंदन कि उन्होंने धैर्य एवं साहसपूर्वक पूरे बेगाबाद प्रखंड में शांतिपूर्वक अखाड़ा का सहयोग किया और पूरे संपन्न हुआ और इसके साथ ही बेगाबाद प्रखंड वासियों को मेरे हार्दिक बधाई। बताएंगे आप पूरे बेगाबाद प्रखंड क्षेत्र में शांति और भाईचारे के साथ रामनवमी का इसके लिए सारे शुभ अवसर पर कुछ आप बताना चाहेंगे। जी बता दें कि बेगाबाद में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आसपास के क्षेत्रों से अखाड़ा जुलूस बेगाबाद मुख्य बाजार में निकाला गया जो काफी
अंगेज कर्तव्य दिखाया गया। तेलाबाद प्रखंड क्षेत्र के महुआर गांव के खिलाड़ियों ने, महुआर गांव के अखाड़ों ने ऐसा हैरत अंगेज कर्तव्य दिखाया जो सबके रोंगटे खड़े कर दिए। बता दें कि बेंगाबाद के फुरसोड़ी गांव से भी अखाड़ा जुलूस आया हुआ है यहाँ पर, जो काफी विहंगम का नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं MMS परिवार की ओर से स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया है और धूम धड़ाके के साथ में यहाँ आज का रामनवमी, चैती दशहरा, छठ सारे कार्य संपन्न हुए और धूम धड़ाके के साथ में प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ जो बेहतर तरीके से इस महापर्व को सफल किया है। जय हिंद, जय श्री राम, जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पाउस कर दिए, पाउस है, पाउस किया है। रामनवमी का अखाड़ा निकाला गया बड़ा भव्य तरीके से और शानदार प्रदर्शन भी किया गया, बताएंगे इस बारे में। रामनवमी का आज और सबसे पहले तो मानवता मर्यादा संस्कार संघ की ओर से समस्त देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ सबसे पहले। और आज का जो ये अखाड़ा है बेंगाबाद की जो निकाला है, हर एक साल की भांति बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे व्यवस्था किए हुए हैं, सभी मेंबर भी आज मौजूद हैं। एक बार पुनः हम सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई देना चाहेंगे रामनवमी के शुभ अवसर पर। राम जो है वो हरेक दिल में है और सभी को अपने राम को मारने की जरूरत है। और अभी हम जय राम जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो सही में वो सार्थक होगा। एक बार मिल के बोलेंगे जय।